मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लगभग एक जैसे हैं, इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे समझना होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम ये देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 जो कि आउट ऑफ द रेंज है, तो क्योंकि इसकी रेंज 0 to π है और ये पाई से काफ़ी बड़ा है, 13 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा, आप इसे रेंज के अंदर लेकर आएंगे, कॉस पाई प्लस ये हो जाएगा 2π प्लस पाई बाई 6। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कॉस 360 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉजिटिव रहेगा और इंटरचेंज भी नहीं होगा क्योंकि 360 है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास पाई बाई 6। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब ऐसे ही आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो 10 इनवर्स सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसे भी रेंज के अंदर लेकर आइए क्योंकि ये -90 से 90 के बीच में होना चाहिए और ये 90 से बड़ी वैल्यू है 7π/6। तो अब आपको यहाँ पे 5 + 5/6 लिखना होगा, तो ये हो जाना है 10 इनवर्स ऑफ 10 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा तो आप कैंसिल कर सकते हो, सीधा आंसर π/6 होगा। तो यही सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नोट करेंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin inverse 3/5 = 10 inverse 24/7। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा समझना होगा। सबसे पहले आप LHS लें, ये आपको प्रूफ करना है, अब जितने भी क्वेश्चन हैं प्रूफ डेट वाले हैं, तो जरा इसमें हमने LHS लेना है और साइन को कन्वर्ट कर दीजिए 10 की फॉर्म में। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो अगर पाइथागोरस से आप बेस निकालेंगे इसका तो 4 आएगा, तो इसका मतलब आप इसे 10 में चेंज कर लीजिए, तो 10 inverse 3/4, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 10 में आपने चेंज कर लिया है इसको। अब इस 2 को एलिमिनेट करना होगा, 2 को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan inverse x = 10 inverse 2x 1 - x2। तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए जिसमें 3/4x कंसीडर किया जाना है, तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 3/4 2x 1 - x2, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट, तो आपको हम यहाँ पे 24/7 ही मिलेगा, यही आपको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पे आपको इसे भी प्रूफ करना है, तो LHS लेंगे आप और इन्हें जरा लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी दो एंगल जो हैं इनको 10 में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ है साइन थीटा, साइन थीटा होता है बेस, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ऐसे इसे भी जरा चेंज कीजिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अगर आप यहाँ पे बेस फाइंड आउट करेंगे तो बेस आएगा 15 और इसका इसमें बेस होगा 4, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 थीटा 8/15 और प्लस 10 inverse of 3/4। तो ऐसे आपने इनको 10 में चेंज किया, अब आप यहाँ पे 10 inverse x + y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 10 inverse x + y, तो ये है x + y/1 - x * y। तो 10 inverse x + 10 inverse y वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा 77/36। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपने प्रूफ करना था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 5, जैसा कि यहाँ पे पूरी फॉर्मेट कॉस में है, तो आप इसको LHS लेंगे यहाँ से और इनको चेंज कर लीजिए 10 की फॉर्म में, तो 10 में अगर आप चेंज करेंगे तो 10 थीटा कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटीनियस, ऐसे यहाँ भी बेस है आपका 12 बेस बाई हाइपोटीनियस, तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर 3 और यहाँ आपका ये बेस 12 था तो यहाँ 5 आएगा। तो पाइथागोरस से आप इनको फाइंड आउट कर लेंगे और इसके बाद अब आप इन्हें 10 में चेंज कर लीजिए, 10 इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसे यहाँ भी 10 इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ 10 inverse x + 10 inverse y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो 3/4 + 5/12 1 - 3/4 =
इंटू 5/12। इन्हें सॉल्व करना होगा, टेन इनवर्स यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे 48 आएगा, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 12 आएगा, सॉरी, तो 12 एलसीएम होगा इसका, तो अब यहाँ पे आप इंटू करेंगे 9 हो जाएगा और ये 5। ऐसे आप यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 48 होगा और ये 48-15 ऐसे लिखेंगे। इससे इसको कट कर सकते हैं, 3 आएगा। तो अब इसका मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 10 इनवर्स, ये 13 हो जाएगा, लेकिन 3 3 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, अपॉन इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 और 33। इससे इसको कट करेंगे, 11 आएगा, 10 इनवर्स 13/11। तो आपने देखा 13/11 आया, इसे ज़रा आप चेंज कर लीजिए, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये जो है आपका 65 आएगा। तो अब इसे ज़रा आप कॉस में चेंज कर लीजिए, सॉरी, कॉस थीटा, 10 थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आपको यहाँ पे 33, तो ये कट नहीं करना था, ये जो आपने सॉल्व किया 13 और यहाँ 33 आया, और 3 को आप ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो कैंसिल मत कीजिए क्योंकि आंसर फिर इजीली आ जाएगा, 13 × 3 और ये 33। तो इसका मतलब आप इसको इतना ही रहने दीजिए, 10 इनवर्स 39/33। अब अगर आप इसे चेंज करेंगे, 39 ये 33, तो ये 65 आएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा को, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो पहले 10 था परपेंडिकुलर बाई बेस, और पाइथागोरस अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको 65 मिलेगा, तो फिर आप ये इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई द पाइथागोरस। तो इसे लिखेंगे, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। आप इसे सिंपलीफाई करेंगे, इसमें 4 एंगल हैं, तो आप यहाँ दो दो के पेयर बनाएं और LHS लें, प्रूफ करना है आपको π/4 के इक्वल है। तो 10 इनवर्स, पहले इन दो का पेयर और फिर इन दो का पेयर बनाएं, तो 10 इनवर्स x+y वाले फॉर्मूले लगाएंगे आप दोनों में ही, दोनों पेयर में, तो कुछ आपको ये रिजल्ट मिलेगा, 1/5 × 1/7। ऐसे यहाँ भी आप यही फॉर्मूले लगाएं और देखिए, ये होगा आपका 10 इनवर्स 1/3 + 1/8, 1 - 1/3 × 1/8। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए इससे पहले मैंने 6 और 7 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो वो बिल्कुल आपके इसी फॉर्मेट पे हैं। जो भी आपके एंगल होंगे, साइन हो कॉस हो, आप उन्हें 10 इनवर्स में ही चेंज करें और फिर आप 10 इनवर्स x+y वाले फॉर्मूले अप्लाई करें। तो 7 क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड लेना होगा क्योंकि उसमें साइन और कॉस है राइट हैंड साइड में, और फिर आप जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे 4 और 5, उनकी तरह आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इन दो क्वेश्चन जो हैं इनको आपने देखा, तो इसमें पहले आपने दो दो के पेयर बना के सिंप्लीफाई किया, अब जो भी इन दोनों का रिजल्ट आएगा आपको एक बार फिर उसमें फॉर्मूला लगाना होगा, और फिर उसके बाद आपको फाइनली लास्ट में जब इन दोनों में आप इनको सॉल्व करके, एक एंगल तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, फिर इन दोनों में फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, तो आप उसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और लास्ट में आपको 1 मिल जाएगा पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, जिसे आप π/4 लिखेंगे, यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए अगला क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड लें और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/2 cos इनवर्स, क्यों ना आप इसको ऐसे लिखें, 1 - √x² और 1 + √x² जरा आप इस फॉर्म में लिख लेंगे। क्यों लिखा आपने, क्योंकि देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है आपका cos इनवर्स ऑफ 1 - x² 1 + x² तो ये फॉर्मूला हमने बिल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ ये फॉर्म प्रिपेयर्ड करनी पड़ी। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन चुका है किसका, 2 tan इनवर्स √x का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है तो आप x लिखेंगे और अगर √x होगा तो आप यहाँ पे √x लिखेंगे, तो 2 से 2 कट कर दीजिए, यही आपको प्रूफ करना था।
यही आपको राइट हैंड साइड होगी। तो अगला क्वेश्चन फिर समझेंगे। तो देखिए ये है अगला क्वेश्चन, कॉट इनवर्स दिस। तो आपको इसे प्रूफ करना है, ये एक्स वाई टू के इक्वल है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, एलएचएस लेंगे आप यहाँ पे भी, और यहाँ आपको कॉट इनवर्स इसे रैशनलाइजेशन करना होगा। 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे लिखेंगे आप। 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लीजिए, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे ही यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। तो ये होगा आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन किया, जो डिनोमिनेटर था उसका अपोजिट साइन लेके मैंने उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। अब ऊपर देखेंगे तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा होल स्क्वायर वाला, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट कर लीजिए। तो अब जो हमारे पास जो रिजल्ट बचा है, तो देखिए यहाँ पे अब आप फॉर्मूला, यहाँ तो जो रूट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना होगा कॉट इनवर्स। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर बन चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 1 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो रिजल्ट बना आपके पास, वो लिखेंगे कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ भी रूट कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ पे आपका जब रूट ओपन रूट कैंसिल हो चुके हैं तो साइन भी कट जाएगा, तो 1 और 1 आपको 2 मिलेगा, -2। यहाँ इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। और यहाँ आपको मिल चुका है 2 साइन एक्स। तो इसका मतलब अब यहाँ आपका फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको थोड़ा मुझे रब करना होगा। तो इट विल बी कॉट इनवर्स ऑफ 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस, ये फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे देखिए जो आपने इसे सिंप्लीफाई किया था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था आपने, तो यहाँ प्लस होना था, ये गलती हो गई, थोड़ा इसको इम्प्रूव करेंगे। और कॉट इनवर्स अब ये बचा है 1 प्लस, क्योंकि रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो रूट कैंसिल कर लीजिए, तो कॉट इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब ये कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 साइन x/2 cos x/2। तो आपको ये लिखना होगा, 1 से 1 कैंसिल कर लीजिए, कॉट इनवर्स ऑफ 2 cos² x/2 अपॉन 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो 2 से 2 कट कर लीजिए, cos से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब कॉट इनवर्स ऑफ cos/sin इट विल बी cot x/2 लिखेंगे, इससे कट कर लीजिए इसको। तो x/2 हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लगभग एक जैसे हैं, इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे समझना होगा।